हेलो एवरीवन, आज एक और नई रेसिपी के साथ आपके मैं आ गई हूँ मिलने और अपनी नई रेसिपी आपके शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार से स्नैक्स थे क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाली थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था और वो चीज़ फटाफट बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, बच्चों को बताइएगा। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। बबीता के चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी एकदम मज़ेदार सी एक पार्टी वेयर स्नैक्स की रेसिपी है जो बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी हमने सब्जियां डाली हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई हमने मज़ेदार सी नई रेसिपी। यहाँ बनाने के लिए मैंने स्टफिंग के लिए मैंने लिया कॉर्न, प्याज, पनीर, टमाटर और मिर्चें। बाकी आपके पास जो है वेजिटेबल अवेलेबल हो सब आप डाल सकते हैं, इसी के थ्रू बच्चे वेजिटेबल्स खाना लग जाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में डाला 1 चम्मच ऑयल, ऑयल भी बहुत कम डाला है। ऑयल को डाल के गर्म होते इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज को बस कुछ सेकंड हमें चलाना है हल्का सा, जैसे इसका ट्रांसपेरेंट कलर होएगा तभी हम डाल देंगे पनीर। यहाँ पनीर भी मैंने छोटे छोटे से क्यूब काटे हैं और प्याज भी मैंने ऐसी काटी थी क्यूब में। फिर डाल देंगे हम कॉर्न, यहाँ बॉयल कॉर्न है और कॉर्न को मैंने बॉयल करने के बाद हल्का सा मिक्सी में डाल के एक बार उसको चलाया था बस, जिससे बिल्कुल छोटे नहीं हो गए बट थोड़े से सॉफ्ट हो छोटे हो गए हैं, बिल्कुल छोटे नहीं करने, बिल्कुल फाइन नहीं, पाउडर नहीं करना, सिर्फ हल्का सा चलाना है। इन दोनों को भी थोड़ी देर चलाएंगे, साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची। यहाँ आज सब्जियाँ मेरे पास बहुत कम थी, सब्जियाँ ज़्यादा थी नहीं इसलिए मैं नहीं डाल पा रही और बारिश के कारण हमारे यहाँ मार्केट में सही सब्जियाँ नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। आपके यहाँ जो आप डाल दीजिएगा। पनीर को भी हल्का सा सोटी करेंगे, साथ में डाल देंगे टमाटर। सब सब्जियों को हल्का हल्का सा ही हमें फ्राई भूनना है बस, बिल्कुल गलाने कोई सब्जी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ सॉफ्ट ही हैं। अब इसमें डालेंगे सॉस, थोड़ा मैं इसको चाइनीज़ फ्लेवर देना चाह रही हूँ तो मैंने इसलिए डाला है थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ा सा केचप। यहाँ तीनों की क्वांटिटी मैंने 1-1 चम्मच रखी है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच कम टमाटो और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली थी। साथ में डालेंगे नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, मैंने आधा चम्मच डाला है, मेरी छोटी चम्मचें हैं। और डाल देंगे हाफ टेबल ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। आप चाहें तो रेड चिली स्किप कर सकते हैं अगर आप ग्रीन चिली ज़्यादा डालते हैं तो। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी कर रही थी इसलिए मैंने इसमें 1/4 के करीब रेड चिली भी डाल लिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह करेंगे मिक्स, याद रखिएगा इसे कुक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ हमें सामान मिक्स करना है और इसको कुछ समय तक हमें इसको ढक के पकाना है। यहाँ मैंने सिर्फ 2 मिनट इसको ढक के पकाया था। ढक के पकाने से पर्पस ये था कि जो सॉसेस थी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और जो उसमें थोड़ा सा पानी निकलता है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया था, पानी बिल्कुल भी नहीं था अब इसके अंदर। हमने जो तो सॉसेस का मसाले का होता है वो भी सूख गया था तो हमने इसको बंद करके निकाल लिया है। ये देखिए स्टफिंग हमारी एकदम मज़ेदार सी रेडी हो गई है और बहुत ही यम्मी सी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसको है ऊपर लेयर, आउटर लेयर बनाने के लिए। तो यहाँ मैं आउटर लेयर के लिए आज इसमें ले रही हूँ ब्रेड और ये भी मेरे आटा ब्रेड ही ले रही हूँ तो ये भी एकदम हेल्दी है। आप चाहें तो आपके ऑप्शन, अगर आप वाइट ब्रेड से बनाना चाहते हैं तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ब्रेड एक साथ लेंगे और उसको एक साथ रख के हल्का हल्का सा बेलन चलाते हुए उसको बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। बेलन हमें चारों तरफ चलाना है और चारों तरफ से चलाते हुए से एकदम पतला कर लेंगे। फिर कुछ मैंने कटर वाले इसकी शार्प है फिर उससे मैंने इसको कट करा है, उसको एक्स्ट्रा हटा देंगे और ये राउंड इसको गोल शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए और फ्रेंड्स ये जो हमारी साइड की कटिंग है देखिए कितना अच्छा बन गया हमारा और पता नहीं चल रहा 2 ब्रेड है बिल्कुल चिपक गए हैं। और जो साइड की हमारी कटिंग है इसको हम उठा के रख लेंगे, इसको हम ब्रेड क्रम्स में यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमें डेली है लेनी है, 2-2 ब्रेड लेनी है, उसके ऊपर हमें अच्छी तरह से प्रेस करके बेलना है और उसकी ऐसे कटिंग करके निकाल लेनी है। ये सारी हमने ऐसे ही बना लेने हैं। ये देखिए मैंने बना ली है, मैंने 5 ब्रेड ली थी उसकी, सॉरी 10 ब्रेड ली थी उसकी, 5 बज गए हैं
और ये जो साइड की कटिंग बची है उसको मैं क्रम्स बना लूँगी। ये हमारे ब्रेड रेडी है, ये क्रम्स रेडी हो गए हैं, ये भी हमारे यूज़ होंगे इसमें, तो आज कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। साथ में बस सैलरी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, उसके अंदर डाल दिया मैंने नमक 1/4 टेबल स्पून, और फिर उसको हल्का पानी डाल डाल के एक स्मूथ सा सैलरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं या फिर गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। सब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल देखिए एकदम ऐसे। फिर हमें क्या करना है, एक ही स्लाइस लेनी है ब्रेड की, इसको डिप करना है अच्छी तरह से चारों तरफ से, कॉर्नर से भी, जिससे कि खुले ना, इस तरह से। और फिर हमें इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम की कोटिंग भी अच्छी तरह करनी है चारों तरफ करते हुए, जिससे ये जो हमारी जो सिलेरी बनाई है वो चिपकी रहे, हटे ना, और ऊपर से कुरकुरेपन सा आए, ये देखिए। और क्या करना है, इसको हल्का सा हमें साइड जो है इसके उसको चिपका देने हैं ताकि खुले ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, हर तरफ से अच्छी तरह से क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर, ब्रेड क्रम्स, और इसको ऐसे हम बना बना के रखते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार से लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम बर्गर खा रहे हैं। फिर हम इसको ऐसे लेंगे और इसको डिप करके इसके ऊपर भी हमें सिलेरी लगानी है चारों तरफ से, अच्छी तरह से इसको पैक करना है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को फटाफट लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक करना रह जाता है, आप कमेंट भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, पर आप ना तो वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं और ना ही आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है और काफ़ी काम होता है और वीडियो में, और हम इतने प्यार से बनाते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार ही पूरा ज़रूर देखा करें। तो ये देखिए सारी मैंने लगा ली हैं, इतने मैंने बनाया था, इतने मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल भी एकदम गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इसको डाल देंगे और पूड़ी की तरह दोनों साइड से इसको हमें दबाते हुए सेकना है, जिससे कि ये फूलेंगी। जी फ्रेंड्स, ये 2 ब्रेड हैं, इसमें हम ऐसे डालेंगे तो ये फूल जाएंगी बिल्कुल पूड़ी की तरह, ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं। इसको प्रेस करते हुए जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसको फूलना है। और फ्रेंड थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लीजिएगा, जिससे कि ये डिप अच्छी तरह हो जाए। ये देखिए फूलने स्टार्ट हो चुकी है, अब इसको साइड टर्न कर देंगे, उसको यहाँ से भी अच्छी तरह दबाते हुए फुलाएंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है ना, एकदम आटे की पूड़ी, कोई नहीं पहचान सकता ये 2 ब्रेड से करा है, और कितनी मज़ेदार सी फूल गई हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गई है ऊपर से, दोनों साइड से एकदम ब्राउन कलर हो गया है, ऐसी हमें सेकनी है, बाकी भी सब सेक लेंगे। ये देखिए हमने सेक ली है, अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे बीच में से, चाकू की सहायता से आराम से कट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हमने कट कर लेना है, और लीजिए ये कट हो चुकी है, इसे 2 हिस्सों में ऐसे कट कर लेंगे। और अब यहाँ चाहे तो आप इसके अंदर भी सॉस लगा सकते हैं, केचप या ग्रीन सॉस, पर बच्चों ने कहा था मम्मा सॉस रहन दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी सॉस डाली है तो उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसको हमने इसका स्टफिंग भर देनी है यहाँ। फ्रेंड्स, अगर आप इसे और भी टेस्टी करना बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ डाल के इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा, तो वो भी और भी यम्मी सा बन जाएगा। बट मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ कि घर में जो अगर चीज़ नहीं होती, हर किसी के पास घर पे चीज़ नहीं रखी होती, तो बिना चीज़ के भी आप बना सकते हैं। और लीजिए मज़ेदार से स्नैक्स एकदम रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपने हर फ्रेंड सर्कल में पहुँचाइए कि अगर उनके घर में बर्थडे पार्टी या कुछ हो तो वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।